वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज अम्मी क्या बनाने वाले हो? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पोहा का पकोड़ा बनाने वाली हूँ। मैं 100 ग्राम पोहा लिया, उसके धो के एकदम सूखा सूखा हो गया। अभी इसके साथ सब चीज जो भी है उसके साथ मिलाऊंगी, एक एक करके सब बताऊंगी। पूरे वीडियो देखते रहना। डालोगे? मैं 2 बटाटा लिया, उसको मैं उबाल के मैश करके रख दिया। ये बड़ा हो जाएगा अभी इसको, हाँ बड़ा जाएगा, मैं डालना पड़ेगा, नहीं छोटा में नहीं होगा ना, मिक्स नहीं होगा। हाँ उसके बाद भुनाओ। अभी घर में मैंने तेल से भुनी थोड़ा, सेम 50 ग्राम। उसके बाद कोतमीर, कोरिएंडर लीव्स। अभी अभी मैं अभी इसमें एक कांदा के बारीक करके रखी चॉप, 2 हरी मिर्ची, आधा शिमला मिर्च लाल, आधा ग्रीन शिमला मिर्च, चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा अमचूर पाउडर, एक बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, उसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद थोड़ा जीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद शेजवान चटनी घर का 2 चम्मच, उसके बाद 1 चम्मच दबेली मसाला मैंने घर में बनाई। अगर आप लोग को उसका अगर रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका हम लोग आपको उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लेना। अभी क्या करोगे? अब मैं इसको सब मिक्स करूँगी। रुको, वाह खुशबू सेम कैसी आ रही पता मैं तुमको मम्मी? वो पानी नहीं नहीं पानी पूरी में जो देखो सेवपूरी बनाते हैं सेम वैसी खुशबू आ रही है। मैं घर का पिसा वाला दबेली मसाला डाली, शेजवान चटनी, आलू कबली शेजवान चटनी डाली इसके वजह से। और अभी ऐसा अगर कोई नहीं खाया बना के, बहुत सारा लोग चीज़ बनाते रहते हैं, मैं अपनी तरीका से बनाई तो मेरी तरीका से एक बार बना के खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। बना के खा के बताना। वाह पकौड़ा, अभी मम्मी ने रेसिपी बनाई ना उसका नाम क्या मालूम है? शेजवान पोहा पकोड़ा। मम्मी ने नाम दिया, मम्मी ने नाम डाला इसका, अच्छा है ना नाम? कमेंट बॉक्स में बताना अच्छा है कि नहीं तो आप अगर हम लोग अगर मम्मी लोग नाम अच्छा नहीं लगा तो आप लोग एक नाम बताना कि इसका नाम क्या दे हम लोग। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर दे दिए, क्योंकि अगर ये तेल में डाल दिया निकल जाएगा तो इसलिए कॉर्नफ्लोर देगा ना, तो 1 चम्मच ही दिए मैं। देखो बनाने से क्या होता है, पकौड़ा लगेगा, इसलिए ये पोहा शेजवान का हो रहा ना, तो थोड़ा सा बटाटा दी तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर दी, उससे मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा टूटेगा भी नहीं। और बेसन नहीं दी इसके, इसलिए बेसन नहीं दी। हो गया। अभी मेरे इसे गोल गोल करके सब रखी, ये देखो वाह मस्त लग रहा है, पूरे एक साइज का पूरा नहीं हुआ, अलग अलग छोटा 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 बड़ा छोटा बड़ा सब तो पेट में जाएगी ना। वाओ ये देखो दम मस्त, कितना अच्छा हो गया। ये देखो हमारा शाम का नाश्ता, आप इसको शेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो और टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो। अभी मैं जिसमें सेंग तली थी कढ़ाई में, उसमें मैं ये बिस्मिल्लाह बोल के एक एक करके डाल देती हूँ। मस्त एकदम, ज्यादा करके नहीं दूंगी, 5 डालूंगी मैं बस। अच्छा कभी निकल लो जा सकते हो, क्या करोगे? आस्ते आस्ते उसको पलट दूंगी, नहीं तो धीरे धीरे ना निकल जाएगी, क्योंकि मैंने इसको चने का आटा नहीं दिया इसकी वजह से निकल जाएगा। थोड़ा धीरे 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 एक पीट हो गया, दूसरा पीट को ये कर दूंगा। मैंने आँच को धीमे रखी है, धीरे धीरे कि अंदर से पकेगा वो। करोगे? अभी एक एक करके मैं बड़ो छंचा में उठा लेती, झाझरी में, छन्नी में, छन्नी में, झाझरी छन्नी लेकिन तेल नहीं रहता, तेल चला जाता है, तेल पूरा निकल जाता है, निकल जाता है, पिघल जाता है। अरे वाह,
अभी बाकी है। अच्छा बाकी है, बाकी है तलने को। देखो हमारा सेजवान पोहा रेसिपी, सेजवान पोहा पकोड़ा रेडी हो गया। देखो देखो सेजवान पोहा पकोड़ा कितना अच्छा लग रहा, मस्त एकदम ज़बरदस्त। आप लोगों को कैसा लगा ये? अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा ना तो आप लोग है ना उसको बना के, और मतलब बना के खा के बताना कि आप लोग को रेसिपी कैसा लगा शाम का नाश्ता। इसका नाम है, इसका नाम क्या दोगे आप लोग? मैं तो सेजवान, सेजवान पोहा पकोड़ा दिए मम्मी ने, तो आप लोग क्या नाम दोगे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग उसको क्या नाम से बोलोगे। तो देखो कितना मस्त लग रहा है देखकर, एकदम बोलते ना ब्राउनी ब्राउनी, मतलब ब्राउनी ब्राउनी बोलते तो लाल लाल टाइप का, कितना अच्छा लग रहा खाने में, तो टेस्टी होगा बहुत। तो देखो चलो वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। खुश रहना, दुआ में याद रखना, बाय, अल्लाह हाफिज़। और हम लोग को बहुत 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 सपोर्ट करना, और एक बार अगर आप लोग कमेंट कर दिया करोगे तो हम लोग को लगेगा हाँ आप लोग ने हमारा वीडियो इन्जॉय किया और अच्छी तरह अच्छा से देखे। अच्छा लगा। और कोई वीडियो स्किप भी मत करना, नहीं तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग ने कौन सा चीज़ डाला है उसमें। ठीक है चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वो मम्मी की आवाज़ है, बाय, अल्लाह हाफिज़।